आपको स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। इससे पहले भी मैं कई ब्लॉग डाल चुका हूं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपना घर। मेरा पुराना घर जो था उसका वीडियो तो ऑलरेडी हम डाले हुए थे, बट वहाँ पर अब पुराना घर है नहीं। तो पुराना घर हुआ करता था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अभी है नहीं, वहाँ से चेंज होकर कहीं और चला गया है। और इसके बाद हम दिखाने वाले अपना ऑफिस, फिर मैजिक शॉप जो है वो दिखाने वाले हैं। तो मेरा जो घर बन रहा है वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो घर बन रहा है वो तो आप देख लीजिएगा, मैजिक शॉप भी देख लीजिएगा, ऑफिस भी देख लीजिएगा, लेकिन मेरा घर जिसमें हम रह रहे हैं वो देख पाइएगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि वो घर जो है इतना कचरा से भरा हुआ है कि आप बोर हो जाइएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देखिए ये कुछ इस तरह से है, जो अभी स्टार्टिंग हुआ था बट लेकिन बारिश के कारण इसे क्लोज कर दिया गया है। और बारिश में वहाँ से मिट्टी वगैरह भी बह कर के बाहर चला गया है, ये कुछ नुकसान हुआ है। तो ये कुछ अपना घर अभी ये बन रहा है। तो इसी तरह से इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से कई जगहों पर मिट्टी ख़त्म हो गया है, यहाँ पर भी और उस रूम का भी। और यही हाल हर रूम से हुआ है, हर रूम का मिट्टी जो है निकल गया है बारिश में, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो यह सब स्थिति हो गया है बारिश के बाद मेरे जो नए घर बन रहा है उसका। और इसमें कुछ सामान वगैरह भी एडजस्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ जो देख रहे हैं आप वो है मेरा घर और ये है पुतली। तो पुतली ये क्या है, ये क्या ली हुई है? ये मेरी बेटी है, छोटी सी बेटी है। तो ये क्या लेकर के घूम रही है बताइए, क्या है? जब पिछला ब्लॉग हम बनाए थे उस समय ये बोल नहीं सकती थी, यानी बहुत ही छोटी थी, लेकिन अब बोल सकती है, लेकिन अभी गूंगी बनी हुई है। क्या है, क्या है ये, नहीं बताइएगा क्या है? हाय कीजिए सभी लोग, हाय। मूर्ति है, अब अपने लिए लाए हैं, ठीक है जाइए खेलिए। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर, क्योंकि इस ब्लॉग को हम कहीं पर कट नहीं करना चाहेंगे, सीधा बहुत ही छोटा सा कट लगा करके और इस वीडियो को हम डालेंगे। तो ये यहाँ पर जो देख रहे हैं एक किचन है, और फिर वो जो दिखाई दे रहा है धूप के कारण रिफ्लेक्ट हो रहा है, सामने सूरज है, तो वो जो दिखाई दे रहा है वो है मेरा घर, जिसके ऊपर बारिश से बचने के लिए पन्नी लगा दिया गया है। और यहाँ पर ये है लेट्रिन बाथरूम, इसे एडजस्ट किया गया है, ये पहले अंदर में था और जब ये घर बनना शुरू हुआ तो इसे यहाँ पर सेट कर दिया गया। तो अब नीचे आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का लुक कुछ इस तरह से है। और ये है किचन जो कि ओपन है, और इस टेबल पर सेट है पूरा सिलेंडर और चूल्हा, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है वो देसी चूल्हा का। तो अब आते हैं अपने घर में, और ये है मेरा अभी अपना घर, और इस घर का लुक आप कुछ देखेंगे तो इस तरह से है। सामने एक पन्नी लगाया गया है, पानी इसमें आ रहा था, अभी भी थोड़ा सा पानी है इसमें देखिए। तो पानी से बचने के लिए यहाँ पर ये लगा दिया गया था, फिर ये जो गोदरेज है ये भी बारिश में खूब भीग रहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी पन्नी लगा दिया गया था। और ये है मेरा बेड, और इस बेड के ऊपर भी पन्नी लगाया गया था, और ये पन्नी पानी से ही बचने के लिए है, और यह पन्नी ऊपर से धूल मिट्टी जो आता है उससे ही बचने के लिए। और पीछे जो वहाँ पर आप देख रहे हैं वो मेरा ग्रीन स्क्रीन है, वो ऐसे ही लगा दिए हुए हैं, हालांकि वहाँ पर अभी वीडियो नहीं बनता है। और नीचे फैन वगैरह है, यहाँ पर देखिएगा तो मेरी बेटी का एक कीबोर्ड है, ऐसे ही खेलने के लिए मंगवाई हुई है। तो और ये एक रिंग लाइट है जिसे हाल ही में हम मंगवाए हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पता नहीं कपड़ा क्यों लगाया गया है, ये मेरे मालिक का है ये शोरूम, पता नहीं इसे क्यों इस तरह का लुक दिया गया है। वो भी ऊपर से मिट्टी गिरता था, इसे बचाने के लिए ये उसी का अपना मिला हुआ है टरंग गोदरेज वगैरह है, सॉरी गोदरेज मेरा है, टरंग उसका है। तो चलिए अब चलते हम सीधा लेकर के ऑफिस में, और वहाँ का दिखाते हैं आपको लुक कि वहाँ का क्या लुक है। और ये मेरे आंगन का लुक है, ये मेरी वहाँ पर मम्मी बैठी हुई है। और चलिए अब चलते हैं सीधा ऑफिस में,
और दिखाते हैं वहाँ का लुक। तो दोस्तों वो देखिए, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो मेरा ऑफिस और मैजिक शॉप है, यानी दोनों उसी में, टू इन वन, दोनों एक ही में है। तो यहाँ इसका हम दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं और कर देते हैं इसे क्लोज। ओहो, तो ये मेरा ऑफिस है और यही मेरा मैजिक शॉप है। सामने देख रहे हैं आप, वहाँ पर चेयर लगा हुआ है और इस तरह से मेरे इस ऑफिस का लुक है। वो कौन है? कोई आया है शायद। क्या क्या काम है? हैं, मेरी बेटी अभी अभी आई है, ये भी सोच रही है क्या बन रहा है, जरा हम भी देख लेते हैं। तो सामने यहाँ पर लगा हुआ है प्रिंटर, प्रिंटर का मॉडल है M1005A, इंकजेट प्रिंटर है, इसीलिए हम इसे लिए हुए हैं। ये मैजिक शॉप में जो बिल वगैरह सब बनता है उसी के लिए है, और बिल के लिए है, फिर उस पर एड्रेस शीट जो लगता है एड्रेस के लिए इसे लिए हुए हैं। और यहाँ पर एक स्टेबलाइजर है, यहाँ लाइन का थोड़ा सा वोल्टेज हाई लो होते रहता है, इसीलिए स्टेबलाइजर लगाए हुए हैं। और ऊपर में कुछ इस तरह से बल्ब है, एक वहाँ भी बल्ब है। और एक हाल ही में हम एक नया टेबल बनवाए थे जो कि कुछ इस तरह से है, ये रेडीमेड टेबल नहीं है, इसे बनवाए थे यहीं पर अपने ही हैं। और दोस्तों यह है मेरे सुमन मैजिक शॉप का कुछ इस तरह से लुक। और सुमन मैजिक शॉप का एक वेबसाइट भी है जिसे डिजाइन किया है हैकी सागर ने। हैकी सागर का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, केवल आप व्हाट्सएप पर इनसे कॉन्टेक्ट करके अपना भी एक खुद का वेबसाइट बनवा सकते हैं, या कॉमर्शियल वेबसाइट बनवाए या कुछ अलग तरह का कोई भी वेबसाइट है बनाएंगे। बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, तो इनसे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैजिक शॉप का कुछ यहाँ पर सामान सब बिखरा पड़ा है, ये सब सामान है। और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि और भी क्या सब सामान है। तो ये सब मैजिक शॉप का सामान आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा सामान सब लगा हुआ है। और यहाँ भी टोटल नीचे भी पूरा भरा हुआ है, सामान रखने का कोई जगह नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर पूरा भरा हुआ है शॉप, देखिए। तो ये सब कुछ लुक है यहाँ पर मेरे घर का और मेरे इस ऑफिस का। तो दोस्तों सुमन मैजिक शॉप का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप किसी भी तरह के मैजिक का प्रोडक्ट ले सकते हैं। और यहाँ जो शीशा देख रहे हैं यह खाली है, यह शीशा इसलिए खाली है क्योंकि इसका जब हम बनवा रहे थे तो उस समय इसका चौड़ाई मात्र 3 इंच है, इसलिए इसमें कुछ सामान जो है अच्छे तरह से आ नहीं पाता है, इसलिए यह खाली खाली दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से लुक था मेरे घर का और मेरे ऑफिस का और मेरे नए बनने वाले घर का। तो आपको कैसा लगा है यह ब्लॉग वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी अगर ब्लॉग वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए कि किस तरह का ब्लॉग चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।